एक गांव में दिशा नाम की एक लड़की अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहा करती थी। दिशा के माता पिता वेज पुलाव का ठेला लगाकर बेचा करते थे। दिशा एक 20 वर्षीय युवती थी जो दिन भर किताबों में डूबी रहती है। एक दिन उसकी माँ अनीता दीक्षा से बोली, तुम दिन भर किताबों में ही डूबी रहती हो, थोड़ा बहुत अपनी माँ के कामों में भी हाथ बटा लिया करो, विवाह के बाद ये तुम्हारे काम आएगा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ, घर का सारा कामकाज करना तो मैं जानती हूँ और मैंने आपसे भोजन बनाना भी सीखा है। पिताजी तो मेरे हाथ के बने हुए भोजन की बहुत तारीफ करते हैं। वो तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन दिन भर किताबों में डूबे रहने से क्या हासिल हो जाएगा? भला आज तक किसी स्त्री को पढ़ लिख कर कुछ मिला है क्या? अंत में तो उसे विवाह के बाद चूल्हा चौका ही संभालना पड़ता है। ऐसा नहीं है माँ, अगर मैं दिन भर किताबों में डूबी रहती हूँ तो उसका भी एक कारण है। किताबें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं माँ, मैं जीवन में कुछ नया करना चाहती हूँ। दीक्षा की बात पर अनीता दीक्षा से कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर दीक्षा के पिताजी आ गए। अरे मेरी बेटी दीक्षा बिल्कुल सही बोल रही है, अनीता उसे पढ़ने दो। मैं तो बस यही कहना चाह रही थी जी कि हमें बिटिया को पढ़ा लिखा कर क्या नौकरी करवानी है, अंत में उसका विवाह ही तो करना है। ऐसा नहीं सोचते अनीता, अगर दीक्षा बिटिया शिक्षित हो जाएगी तो सोचो उसे अपनी शिक्षा से कितना फायदा पहुँचेगा, वो अपने पति के ऊपर बोझ नहीं होगी। और वैसे भी आजकल के दौर में लड़कियां पुरुषों से पीछे हैं क्या, वो पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। पिताजी मेरे स्कूल में 2 दिनों के लिए जंगल में टूर जा रहा है, क्या मैं जा सकती हूँ? लेकिन मैम ने 500 रुपए मांगे हैं। बेटी मैं तुम्हें कभी मना नहीं करता, लेकिन तुम तो जानती हो कि आजकल धंधा कितना मंदा हो गया है, मैं तुम्हारे स्कूल की फीस भी कितनी मुश्किलों से जमा कर पाता हूँ। टूर पर जाने के लिए स्कूल वालों ने कुछ अतिरिक्त रुपए तुमसे मांगे हैं जो इस समय मेरे पास नहीं है बेटा। रमन की बात सुनकर दीक्षा का चेहरा उतर गया। अपनी बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखकर रमन भावुक होकर बोला, लेकिन तुम चिंता मत करो, कल मैं किसी ना किसी से पैसे उधार मांग कर तुम्हें दे दूंगा। रमन की बात सुनकर दीक्षा खुशी से चहक उठी। ये क्या जी, अब आप बिटिया के लिए पैसे भी उधार लेंगे? कोई बात नहीं, बेटिया पढ़ लिख जाएगी तो हो सकता है वो आगे चलकर हम दोनों का ही सहारा बने। लेकिन हमें परसों मकान मालिक का किराया भी देना है। अगले दिन रमन फिर से अपना ठेला लेकर बस स्टैंड के पास चला गया, मगर वो यही सोचता रहा कि आखिर वो पैसे किससे उधार मांगेगा। तभी उसे दूर से गांव का मुखिया आता हुआ नजर आया जो उसी के पास आ रहा था। नमस्ते नमस्ते मुखिया जी। अरे अरे नमस्ते नमस्ते रमन नमस्ते, और सुनाओ कैसे हो, धंधा कैसा चल रहा है तुम्हारा? बाजार अभी बहुत सुस्त पड़ा है मुखिया जी, पहले पुलाव शाम तक बिक जाता था, लेकिन अब तो कभी कभी भगोने में पुलाव ऐसे की ऐसी ही रखी रहती है। अरे अरे रमन आजकल चाइनीज फूड का दौर है, भारत में तरह तरह के व्यंजन बन रहे हैं, ऐसे में तुम्हारी देसी पुलाव कौन खाना पसंद करेगा? गांव का नक्शा पहले जैसा नहीं रहा, गांव के लोग भी बहुत बदल चुके हैं। मुखिया जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, क्या बात करनी थी? मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। कितने पैसे चाहिए थे? जी मुझे 2000 रुपए की जरूरत थी, वो क्या है कि कल मुझे 1500 रुपए मकान का किराया देना है और 500 रुपए बेटिया के स्कूल में जमा करने हैं। अरे तो दीक्षा बेटी की स्कूल की फीस जमा नहीं हुई क्या? जी वो तो मैंने कब की जमा कर दी मुखिया जी, क्या है कि स्कूल की तरफ से बेटिया का टूर जा रहा है जंगल, तो बेटिया का बड़ा मन है उस टूर में जाने का और स्कूल वाले 500 रुपए मांग रहे हैं। अरे तुम्हें क्या हो गया रमन, तुम्हारा धंधा वैसे ही मंदा चल रहा है ऊपर से, और ऊपर से तुम्हें मकान का किराया भी देना है, ऐसे में बिटिया को टूर पर भेजना जरूरी है क्या? बिटिया को पेड़ पौधों से बहुत प्रेम है मुखिया जी, और वो दिन भर इसी के बारे में किताबों में पढ़ती रहती है, अगर आज शाम को मैं उसे पैसे नहीं दे पाया तो बिटिया का दिल टूट जाएगा मुखिया जी। मुखिया रमन की बात सुनकर रमन को बहुत गौर से देखने लगा। तभी मुखिया का साथी अभिमन्यु वहां पर पहुंच गया। अभिमन्यु एक खराब स्वभाव का व्यक्ति था जो मुखिया के हमेशा कान भरता रहता था। अभिमन्यु उन दोनों की बातें काफी देर से सुन रहा था।
अभिमन्यु मुखिया के कान में बोला, और सोचते क्या हो मुखिया जी, 1000 रुपए की बात है दे दीजिए। वैसे भी रमन का ठेला कम से कम 10,000 रुपए का होगा। इस वक्त रमन का धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, वो आपके पैसे नहीं चुका पाएगा। उसके बदले आप उसका ठेला रख लेना, पूरे 8,000 रुपए का फायदा होगा। अभिमन्यु की बात मुखिया के दिमाग में बैठ गई। अरे ये पैसे कब तक दोगे मुझे? मुखिया जी मुझे बस 2 महीने का समय दे दीजिए। इससे पहले मैंने आपसे ना जाने कितनी बार पैसे उधार लिए हैं, लेकिन हमेशा चुका दिए हैं। अरे उस वक्त की बात अलग थी रमन, लेकिन इस वक्त की बात अलग है। मैं कुछ समझा नहीं मुखिया जी। अरे देखो रमन, आजकल सभी का धंधा बहुत मंदा चल रहा है, मेरा भी व्यापार थोड़ा सा मंदा ही चल रहा है, तो इसलिए मुझे पैसे जल्दी चाहिए। और दूसरी बात, मुझे गिरवी रखने के लिए भी कोई सामान चाहिए। मुखिया की बात सुनकर रमन बुरी तरह से चौंक पड़ा। रमन जानता था कि मुखिया अंदर से अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। रमन समझ गया कि मुखिया के कान कुछ सेकंड पहले किसी और ने नहीं बल्कि अभिमन्यु ने ही भरे थे। मगर रमन मजबूर था, क्योंकि मुखिया के अलावा गांव में कोई भी 2,000 रुपए रमन को नहीं दे सकता था। मेरे पास क्या है मुखिया जी, गिरवी रखने के लिए सिर्फ एक किराए का मकान है, और क्या आपको मेरी जुबान पर भरोसा नहीं है? अरे भरोसे के जमाने चले गए रमन, तुम्हारा ये ठेला किस दिन काम आएगा? अगर तुम मुझे 1 महीने के अंदर अंदर पैसे नहीं दे पाए तो मैं ये तुम्हारा ठेला जब्त कर लूंगा, और तुम्हें इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। रमन गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, ठीक है मुखिया जी, जैसी आपकी मर्जी। मुखिया मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। शाम को रमन ने 500 रुपए अपनी बेटी दीक्षा को दे दिए। दीक्षा खुशी से बाहर चली गई और रमन ने सारी बात अपनी पत्नी अनीता को बता दी। ये क्या किया आपने? आपको अच्छी तरह से पता है कि अभिमन्यु अच्छे स्वभाव का व्यक्ति नहीं है। मुखिया जी एक अच्छे स्वभाव के और दयालु व्यक्ति हैं। जरूर अभिमन्यु की तुम्हारे ठेले पर नियत खराब होगी। मुखिया जी तुम्हारा ठेला लेकर क्या करेंगे? वो जरूर तुम्हारे ठेले को अभिमन्यु को ही दे देंगे। तुम्हारे पास जब ठेला ही नहीं रहेगा तो फिर तुम क्या करोगे? तब तक कोई ना कोई प्रबंध हो जाएगा। वैसे भी हमें कल मकान मालिक का किराया चुकाना तो है ही। 1,500 रुपए तो मुझे वैसे भी मुखिया जी से मांगने पड़ते। अगले दिन दीक्षा जंगल में टूर पर चली गई। दीक्षा जंगल के घने पेड़ों को बहुत गौर से देख रही थी, तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, और वो बूढ़ी औरत केले के पत्तों में कुछ पका रही थी। केलों के पत्तों में से बहुत अच्छी सुगंधित महक उठ रही थी। दीक्षा अपने आप को रोक नहीं पाई और उस बूढ़ी औरत के पास चली गई। ये क्या है माँ जी? ये केलों के पत्तों की बनी हुई बिरयानी है बेटी। ये कैसे संभव हो सकता है? बिल्कुल संभव हो सकता है बेटी, मैं इस रेसिपी को जानती हूँ। दीक्षा उस बूढ़ी औरत के चेहरे को गौर से देखने लगी। आपके चेहरे की झुर्रियां मुझे बता रही हैं कि आप इस जंगल की रहने वाली नहीं हैं, और ये रेसिपी भी इस देश की नहीं है। तुम तो बहुत ही विद्वान लड़की हो बेटी, तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया? मैं दिन भर किताब में पढ़ती रहती हूँ, मुझे कुछ नया सीखने का शौक है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। क्या नाम है तुम्हारा? दीक्षा। दीक्षा, दीक्षा तुमने बिल्कुल सही पहचाना। मैं अपनी जवानी में ही आधी दुनिया घूम चुकी हूँ। मेरे परिवार वाले सभी मुझे छोड़कर विदेश में जाकर शिफ्ट हो गए। उस दिन के बाद इस दुनिया से मेरा दिल बिल्कुल हट गया और मैं जंगलों में ही अकेले रहने लगी। क्या आप मुझे ये रेसिपी सिखाएंगी? अगर कोई और कहता तो मैं उसे मना कर देती, लेकिन तुम बहुत ही विद्वान हो। तुम्हारी आंखों की चमक बता रही है कि तुम्हें आगे बढ़ने का बहुत शौक है। मैं तुम्हें जरूर बनाना सिखाऊंगी। बूढ़ी औरत ने दीक्षा को सारी विधि बता दी। शाम को दीक्षा अपने घर पर चली गई। समय ऐसे ही बीतता रहा। रमन का काम बिल्कुल बंद हो गया और मुखिया अभिमन्यु के साथ आकर रमन का ठेला छीन कर ले गया। रमन का व्यापार बिल्कुल ठप हो गया। उसके ऊपर मकान का किराया भी बहुत अधिक चढ़ गया था। कितनी बार आपको समझाया है लेकिन आपकी समझ में ही नहीं आया।
अरे क्या जरूरत थी बिटिया को इतना ज्यादा पढ़ाने की? अब बताओ, बिटिया को पढ़ा लिखा कर क्या फायदा मिला? बिटिया के स्कूल में जितने भी पैसे खर्च हुए थे, अगर वो पैसे हम जोड़ कर रखते तो आज हमारे कुछ काम आते। अरे इसमें दीक्षा का कोई दोष नहीं है अनीता। तभी वहाँ दीक्षा आकर बोली, पिताजी मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय बेटी? कुछ महीने पहले जब मैं जंगल में टूर पर गई थी, तो मैंने वहाँ पर एक बूढ़ी औरत से बिरयानी की नई रेसिपी सीखी थी। मुझे लगता है कि अगर वही बिरयानी हम अपने गांव में बनाकर बेचें, तो हमें बहुत लाभ हो सकता है। ये कैसी बातें कर रही हो बेटी? तुम क्या कहना चाहती हो कि तुम्हारे पिताजी पुलाव वगैरह बनाते थे? अनीता, मुझे लगता है कि दीक्षा बेटी सही बोल रही है। मुखिया जी भी यही बात बोल रहे थे कि आजकल भारत में नए नए व्यंजनों का दौर है। जब तक हम कुछ नया नहीं करेंगे तो ऐसे ही पिछड़ते रह जाएंगे। लेकिन समस्या ये है जी कि बिटिया की बात अगर मान भी ली जाए तो तुम वो बिरयानी बेचोगे कहाँ? थेला तो वो अभिमन्यु छीन कर ले गया। आप उसकी चिंता मत कीजिए माँ। मैंने अपने घर की आर्थिक स्थिति की चर्चा अपनी टीचर से की थी। उनकी एक दुकान गांव में खाली पड़ी हुई है। उन्होंने मुझसे कहा है कि जब तक तुम्हारे पिता के पास पैसों का प्रबंध नहीं हो जाता, तब तक वो दुकान हम लोग ले सकते हैं। दीक्षा की बात सुनकर रमन खुश हो गया। अगले दिन दीक्षा रमन को खेतों में ले गई और अपने पिताजी के साथ बहुत सारे केलों के पत्ते तोड़कर उसे दुकान पर ले आई। रमन और अनीता ने उस दुकान की साफ सुथराई पहले से ही कर रखी थी। दीक्षा ने उन केलों के पत्तों में बासमती चावल, कुछ अन्य सामग्री डालकर कुछ ही देर में पत्तों की बिरयानी बनकर तैयार हो गई। उसमें से इतनी अच्छी सुगंधित खुशबू उठ रही थी कि वहां से निकलने वाले लोग खुद को रोक नहीं पाए। एक व्यक्ति तुरंत आकर वहां पर बोला, अरे आपकी दुकान पर तो बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, क्या ये कोई नया होटल है? रमन इससे पहले कुछ बोलता कि तभी दीक्षा उस आदमी से बोली, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये हमारा नया होटल है, केलों के पत्ते की बिरयानी वाला होटल। वो व्यक्ति तुरंत उस दुकान पर एक टेबल पर बैठते हुए बोला, मुझे भी एक प्लेट खानी है। दीक्षा ने उसे गर्मा गर्म बिरयानी परोस दी। वो व्यक्ति देखते ही देखते बिरयानी की 4-5 प्लेट खा गया। मजा आ गया। कितने हुए? 2,000 रुपए। उस व्यक्ति ने खुशी खुशी 2,000 रुपए दीक्षा को दे दिए। वो व्यक्ति शहर का रहने वाला था और एक फेमस यूट्यूबर था। अरे इस तरह का व्यंजन मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खाया। मुझे नहीं लगता कि ये भारत में कहीं और बनता होगा। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपका एक फोटो केलों के पत्तों की बिरयानी के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकता हूँ? क्यों नहीं, इससे तो हमारे होटल को बहुत फायदा होगा। उस व्यक्ति ने दीक्षा की एक तस्वीर केलों के पत्तों की बिरयानी के साथ खींच कर फेसबुक पर अपलोड कर दी और वहां से चला गया। रमन 2,000 देखकर बहुत खुश हुआ। इतने रुपए तो वो 10 दिन में भी नहीं कमा पाता था। देखा अनीता, बिटिया का पढ़ना लिखना कितना काम आया। सोचो अगर हम इसे नहीं पढ़ाते तो आज हमारी क्या स्थिति होती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे तो अपनी सोच पर अब पछतावा हो रहा है। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते दीक्षा का वो फोटो सारे इंडिया में वायरल हो गया। दीक्षा के होटल पर दूर दूर से लोग केलों के पत्तों की बिरयानी खाने आने लगे। कुछ ही महीनों के बाद रमन ने वो दुकान दिव्या के टीचर से खरीद ली। अब रमन का एक बहुत सुंदर मकान बन गया था और वो गांव, दीक्षा का गांव, देश भर में प्रसिद्ध हो गया। और ये बात अभिमन्यु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो मुखिया से बोला, अरे मुखिया जी, ये तो आपकी इंसल्ट है। आपके गांव का नाम आपकी वजह से नहीं बल्कि दीक्षा की वजह से प्रसिद्ध हो रहा है। मुखिया अभिमन्यु से कुछ बोलता कि तभी मुखिया की पत्नी क्रोधित होकर बाहर निकल कर बोली, अब तुम्हें घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये क्या कह रही हो तुम, अभिमन्यु मेरा साथी है। तुम्हारा साथी नहीं बल्कि तुम्हारा दुश्मन। अरे तुम्हें तो दीक्षा को इनाम देना चाहिए। दीक्षा की वजह से हमारे गांव का नाम कितना प्रसिद्ध हुआ है, हमारे बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। ये अभिमन्यु दिन भर गांव वालों के खिलाफ तुम्हारे कान भरता रहता है और तुम्हें भड़काता रहता है। इसकी वजह से तुम्हारी छवि कितनी खराब हुई है, तुम्हें इसका अंदाजा भी है। मुखिया को अपनी पत्नी की बात समझ आ गई। उसने अभिमन्यु को धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। शाम को मुखिया और उसकी पत्नी रमन के होटल पर
बिरयानी खाने पहुंच गए। अरे मुझे क्षमा कर दो रमन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। अभिमन्यु की बातों में आकर मैंने तुमसे तुम्हारा ठेला भी छीन लिया। ऐसा नहीं है मुखिया जी, ये तो ईश्वर की लीला है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो भला मैं इतना बड़ा आदमी कैसे बनता। लेकिन मैं कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाऊं, आपसे हमेशा छोटा ही रहूंगा, क्योंकि आप हमारे गांव के मुखिया हैं। दीक्षा के केलों के पत्तों की बिरयानी आज भी शहर से लोग खाने के लिए आते हैं।